वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, लक्ष्य गर्ल्स लिविंग। और आज की वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ मैं मॉम्सको के प्रोडक्ट्स को, जो मैंने अप्रोक्स 9 मंथ्स की पूरी प्रेगनेंसी में यूज़ किए हैं एंड आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग विद ऑल ऑफ देम। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ ना करें। तो काफ़ी गूगल सर्च करके, एक दो साइट्स पे पढ़ के, रिव्यूज़ चेक करने के बाद मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो आई थॉट आई मस्ट शेयर, क्योंकि उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ और मैं करते रहने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट। ये था नेचुरल स्ट्रेच ऑयल। ये मैंने सबसे पहले कॉम्बो मंगाया था, ये स्ट्रेच ऑयल और इसके साथ आया था कोको बटर। वो मैंने एक्चुअली यूज़ करके थ्रो कर दिया, वो मैंने दोबारा यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें मुझे एक तो क्वांटिटी बहुत कम लगी प्राइस के हिसाब से, और इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था एज़ कम्पेयर टू एम कैफेन्स कोको बटर। उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और अभी मैं वही कोको बटर यूज़ कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर प्रेगनेंट एंड यू आर लाइक लुकिंग समथिंग टू नरिश योर बॉडी अभी से स्टार्ट करने के लिए, तो यू मस्ट चूज़ दैट एम कैफेन बॉडी बटर, वो उससे बहुत बेटर था। सिर्फ वही एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया, बाकी सारे प्रोडक्ट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। सो इट वॉज़ अ स्ट्रेच ऑयल। ये कॉम्बो मैंने कुछ 700 में लिया था और ये मैंने तब यूज़ किया है एंड ये मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो ये 700 में कॉम्बो था अब, और इसका MRP है 393 इस ऑयल का, और क्वांटिटी है इसकी 100 ml, तो क्वाइट एक्सपेंसिव, बट ये ऑयल वर्थ है। एंड इसमें भी ये बोलते हैं कि पैराबिन फ्री है, सूट्स करते हैं, स्ट्रेच मार्क्स जो आने वाले होते हैं प्रेगनेंसी में, जो अजम्पशंस होती हैं उनको रिड्यूस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, बट हाँ, इट डू नरिश योर बॉडी, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। एंड गाइज, दूसरे प्रोडक्ट्स जो मैंने एक्चुअली आफ्टर डिलीवरी यूज़ करने स्टार्ट किए थे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम जब मुझे स्टार्ट हुई थी, तो मैंने ये मॉम्सको के दोनों शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना स्टार्ट किया था। ये भी कॉम्बो मुझे कुछ 700 या 800 में पड़ा था, जबकि एक का MRP इसमें 429 है, और एक्चुअली इसका भी कुछ 430 के अप्रॉक्स ये शैम्पू है। दोनों का कॉम्बो था ये 850 में, मुझे कुछ 800 में पड़ा था, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं था इन पे। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किए थे और पहले प्रोडक्ट्स मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से लिए थे, तो उसमें कूपन्स वगैरह काफ़ी रहते हैं। तो अब इनकी बात करते हैं, पहले बात करते हैं शैम्पू की। तो अगर आपके हेयर्स ऑयली हैं तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस, क्योंकि ये कोई लैदर नहीं देता आपके बालों को। इट्स काइंड ऑफ माइल्ड क्लिनजर, कि आपने आपको रैंडमली कभी बिना लाइक चम्पी के आप हेयर वॉश कर रहे हैं, तो ये माइल्ड सा एक क्लिनजिंग इफेक्ट देता है बालों को, उससे ज़्यादा नहीं देता है। बात करते हैं इसके हेयर फॉल रिडक्शन की, तो इट वर्क्स लाइक 30%, उससे ज़्यादा ये वर्क नहीं करता है। तो इसमें एक जो प्लस बेनिफिट है वो ये है कि ये कोकोनट बेस्ड क्लिनजर है, तो ड्राइनेस नहीं आती है। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए कि माइल्ड हो और पैराबिन फ्री हो और कुछ इफेक्टिव हो कि चलो वो स्कैल्प क्लीन अच्छे से कर रहा है, तो ये उस पर तो डेफिनेटली काम करने वाला है। एंड सेकेंड ये है कंडीशनर, तो इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव। ये तो लाइक आपके बालों में जान डालने वाला है। मैं हमेशा इसको शैम्पू में कोई भी यूज़ कर रही हूँ, तो दिस इज़ द सेकेंड बॉटल, कंडीशनर में यही यूज़ करती हूँ। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, टेक्सचर बहुत क्रीमी है, और लगाने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि बालों में वॉल्यूम आ रहा है और लाइक हेयरफॉल रिड्यूस कर रहा है। सबसे बड़ी बात, हेयरफॉल नहीं होने देते, क्योंकि पहले मैंने कोई भी अगर कंडीशनर्स यूज़ किए हैं और बहुत सारी ब्रांड्स के किए हैं, तो जितना मैं कंडीशनिंग के टाइम पे उनको थोड़ा रब करती थी तो उतना ही हेयरफॉल होता था। दिस इज़ द ओनली कंडीशनर जो शायद मेरे 2-3 बाल से ज़्यादा गिरने नहीं देते हैं। तो एक्चुअली शैम्पू से ज़्यादा इफेक्टिव हेयरफॉल के लिए मुझे कंडीशनर लगता है, सो यू कैन गो विद दिस। एंड गाइस, ये है मॉम्सको का मिरेकल प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द नेचुरल हेयर स्ट्रेंथनिंग ऑयल। और गाइज, इसका MRP है 429। एक्चुअली तीनों प्रोडक्ट्स का MRP यही दिया हुआ है इन्होंने, बट डिस्काउंट वगैरह रहता है इसकी मॉम्सको की वेबसाइट पे। और इसका भी क्वांटिटी सेम है 100 ml, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आमला ऑयल, भृंगा ऑयल, देन कॉफ़ी ऑयल एंड टी ट्री ऑयल। तो दिस इज़ द प्रोडक्ट जिसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक्चुअली मिरेकल करते हैं। मुझे इतना इतना ज़्यादा बालों में फिजीनेस का प्रॉब्लम था, इतने रफ़ हेयर्स थे मेरा, आई कांट टेल यू। एंड ये ऑयल मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया था ना, तो
तो आई वॉज़ नॉट गेटिंग कि क्या इसमें लाइक चेंजेस क्यों आ रहे हैं. लाइक क्वान्टिटी इम्प्रूव हो रही थी बालों की, क्वालिटी इम्प्रूव हो रही थी, वॉल्यूम बढ़ रहा था, फिज रिड्यूस हो रहा था. तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई ऑयल इतना अच्छा वर्क कर सकता है. बट येस, क्योंकि जब मैंने एक दो बार इसको स्किप किया तो मुझे बालों में ड्राइनेस लगा. उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दैट वॉज़ द ऑयल जो सच में काम कर रहा था. एंड एक्चुअली इसमें मेरे मेरे काफ़ी ग्रे हेयर्स हुए थे प्रेगनेंसी में, तो मैंने वो एक बार निकाल के ग्रे हेयर, फिर मैंने ये ऑयल से चंपे करना स्टार्ट किया. कैन यू बिलीव, मेरे को दोबारा वहाँ पे ग्रे हेयर्स नहीं आए. तो इसमें लिखा हुआ था कि ग्रे हेयर प्रोटेक्ट करता है, बट ये एक्चुअली करता है. और दिस इज़ द प्रोडक्ट जिस पर आप आँख बंद करके ट्रस्ट करते हो. और अगर मैं बोलूँ एम कैफिन का सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है, तो दिस इज़ द ऑयल. सो यू कैन डेफिनेटली गो विद द प्रोडक्ट. और इसके मैंने एक दो बेबी प्रोडक्ट्स में यूज़ किए हैं, तो क्योंकि बेबी की स्किन पे इतना पता नहीं चलता, बट नरिशमेंट अच्छा है. और क्योंकि पैराबिन फ्री बोलते हैं, तो आई वॉज़ लाइक कि आई कैन ट्रस्ट मॉम्स को. थोड़ा सा अगर प्राइस की बात करें तो येस, तो एक्सपेंसिव है ये ब्रांड, बट कुछ चीज़ों के लिए वर्थ है. लाइक जैसे मैंने बोला ऑयल, स्ट्रेच मार्क्स वाला ऑयल और ये ऑयल, तो इनके परफेक्ट हैं. एंड कंडीशनर इज़ ऑसम. तो अगर मैं बोलूँ कुछ ड्रॉबैक इसका था, तो मुझे शैम्पू का ही लगे, और वो भी उन लोगों के लिए जिनकी लाइक स्कैल्प ऑयली है. हालांकि मेरी नहीं है, बट मैं क्योंकि ऑयल लगाने के बाद शैम्पू करती हूँ, तो तब मुझे लगता है कि ये ना ढंग से ऑयल निकाल पाते हैं और कोई लैदर नहीं क्रिएट करते, तो खुद को फील नहीं होता कि हमने हेयर वॉश किए हैं. तो अदरवाइज़ ठीक है. माइल्ड क्लिनजिंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो, कि डेफिनेटली गो विद द प्रोडक्ट. सो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो. और ये जेन्युइन रिव्यूज़ थे. अगर आपको और प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए या इसके बेबी प्रोडक्ट्स के रिव्यू चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.